पैर पी ए आई आर के लिए ओ सी एल वी लिखा जाए तो टाउन के लिए क्या लिखा जाएगा? तो हमने क्या किया, पी ए आई आर को लिखा पैर, फिर ओ सी एल वी को लिखा, फिर कह रहा है टाउन के लिए क्या लिखा जाएगा, टाउन लिखा। तो पहले अच्छा समूह और दूसरे अच्छा समूह में मिलान करेंगे कि किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं इसमें। तो शुरुआत करते हैं पी, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पी एक माइनस हो रहा है, पी जो है एक अक्षर माइनस हो रहा है तो ओ पी हो रहा है, तो माइनस एक, तो पी एक अक्षर माइनस हो रहा है। फिर देखेंगे ए बी सी, ए दो अक्षर आगे बढ़ रहा है, ए बी सी। फिर आइए देखेंगे आई जे के एल, एल जो आई जो है तीन अक्षर आगे बढ़ रहा है। फिर आर आर एस टी यू वी, आर चार अक्षर आगे बढ़ रहा है, पहला अक्षर एक अक्षर माइनस हुआ, पहला अक्षर एक अक्षर घटा, दूसरा दो बढ़ा, तीसरा तीन बढ़ा, चौथा चार बढ़ा। तो उसी प्रकार से टाउन, इसमें पहला अक्षर एक माइनस हुआ, पी था वो एक अक्षर माइनस हुआ तो ओ हो गया, तो भी उसी प्रकार से टी, टी भी एक माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा एस, यहाँ पर हो जाएगा एस, टी जो है एक अक्षर माइनस हुआ। फिर दूसरा अच्छा तो अच्छा आगे बढ़ा तो ओ पी क्यू, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, दूसरा अक्षर दो अक्षर आगे बढ़ा। फिर तीसरा था, तीसरा तीन अक्षर आगे बढ़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर तीन अक्षर आगे बढ़ा, डब्लू एक्स वाई जेड, तीसरा तीन अक्षर आगे बढ़ा। फिर चौथा, चौथा चार दिखा रहा, एम एन ओ पी एन ओ पी क्यू आर, तो ये चार अक्षर आगे बढ़ा, एन जो है हमारा चार अक्षर आगे बढ़ा, क्या निकल के आ रहा है एस क्यू जेड आर। तो मिलान करेंगे इसमें, हमारा ये मिल कैसे आ रहा है एस क्यू जेड आर, पहले देखेंगे एस क्यू जेड आर, तो हमारा ए सही हो रहा है ये ऑप्शन, तो हमारा क्या हो जाए ए ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन मिल गया हमारा एस क्यू जेड आर।